नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बीते 16 सितंबर को भारी बारिश के चलते रद्द हुआ दौरा अब कल होगा। हालांकि इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ केवल सदर विधानसभा में ही सरकारी योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और लाभार्थियों को सम्मानित करके जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर कल दोपहर 12:25 पर बाराबंकी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बने हेलीपैड पर उतरेगा। वहीं सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक अमला तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा हुआ है। तालाब बने जीआईसी के ग्राउंड से जल निकासी को लेकर जहां कई पंप सेट लगाए गए हैं, वहीं बारिश को ध्यान में रखते हुए पार्टी के नेता और अधिकारी जीआईसी ऑडिटोरियम पहुंचकर सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हुए हैं। कम पिछले हफ्ते था, लेकिन भारी बरसात की वजह से कार्यक्रम स्थगित हो गया था, जिसका कार्यक्रम जो कल होना है उसकी तैयारी आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो यहाँ पर थोड़ा पानी वानी खींचा हुआ था उसको भी साफ कराया जा रहा था, ताकि लोगों को आने में असुविधा न हो और यहाँ आकर के ठीक से मुख्यमंत्री का भाषण सुन सके, उनकी बात सुन सके। क्या टाइमिंग रहेगा आने का? टाइमिंग उनका 12 बजे का। सांसद जी, एक हट कर सवाल है कि जो किसान आंदोलन का, किसान आंदोलन के और आप लोगों के हितों मैंने देखा है, सुना भी है जी, अखबारों में भी देखा है, सारे किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। कुछ चुने हुए किसान नेता जो अपने आप को किसानों का नेता बताते हैं, वही कल घूम रहे थे, बाकी उनके साथ कोई भी किसान नहीं था। देखिए, कल कार्यक्रम प्रस्तावित है और यहीं पे होगा, और उसमें जनसभा होगी और जो विकास के कार्य हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास होगा, जो हमारे कुछ सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको प्रमाण पत्र वितरण इत्यादि किया जाएगा। यही कार्यक्रम कल प्रस्तावित है। सर, पिछली बार 16 सितंबर को कार्यक्रम लगा था, लेकिन वर्षा के कारण कार्यक्रम जी जी, अब किस तरीके की तैयारियां हैं, यदि बारिश का मौसम है, बारिश हो जाती है, किस तरीके की तैयारियां? देखिए, पिछली बार ही हमारी तैयारियां पूरी थी, लेकिन जैसा आपने कहा वर्षा अत्यधिक हो गई थी। इस बार भी हम लोग पूरी तैयारियाँ कर रहे हैं और इस बार यही आशा करते हैं कि मौसम भी साथ देगा और कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक होगा। सुल्तानपुर के सौली विधानसभा क्षेत्र में सपा विधायक अहमद का एक विवादित वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रिय मतदाताओं के बारे में अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए। आजम खान के नजदीकी संबंध के चलते अक्सर विवादित बयान देने वाले अबरार अहमद ने सुल्तानपुर के एक निजी होटल में कहा कि क्षेत्र में उनका बहुत सम्मान है, जहां वो जाते हैं लोग हाथ उठाकर उनका अभिवादन करते हैं, लेकिन एक सवाल के उत्तर पर उन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रियों पर अमर्यादित बयान दिया। साथ ही कहा कि इनके वोट की हमें आवश्यकता नहीं। फिलहाल सपा विधायक का ये बिगड़े बोल वाला बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ है। मैं छुपाए गई हूँ जी, भागी हूँ। जैसे कि देखा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार अबरार को हटा के टिकट जो है हमको दूसरे कैंडिडेट जी, इसका कोई सम्मान नहीं होगा जी, जनता जानती नहीं जी, अगर जहाँ निकलिए वही पार्टी जीता पाई है जी, क्या फायदा उसे जी। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि सौली विधानसभा में आपने विकास नहीं किया है, कोई माइलर पैदा हो बताइए सौली विधायक में, मैं तहसील दिया उनको सबसे पहले, तमाम सड़कें दिया, क्या नहीं दिया, ट्यूबवेल दिया, समझा जी, ट्यूबवेल दिया, बिजली के खम्भे तमाम लगाए, किसी गांव पता कहीं कोई एक गांव कहते हमारे यहाँ नहीं हुआ, तो मुसीबत नहीं है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं नेताजी कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको राजनीति से हट लेना चाहिए। अगर लड़का नालायक होता है तो ओके बात मानी जाए, नालायक हमारे पास और लायक लोग हैं उनके प्रपोज करेंगे जी। तो क्या इस बार भी अगर अखिलेश ने टिकट दिया तो इस बार भी विधानसभा जीतेंगे जी। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी ने छात्र जागरूकता रैली पूरे शहर भर में निकाली है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी लगातार छात्रों को जागरूक करने का काम कर रही है। जिस तरह से प्रदेश में बीजेपी सरकार छात्र विरोधी काम कर रही है, छात्र छात्राओं के एडमिशन की बात हो या बेरोजगारी से जुड़ा मामला हो या महिलाओं से जुड़े मामले हो, बीजेपी हर कदम पर फेल होती नजर आ रही है, जिसको लेकर आज पार्टी कार्यालय से सपा के जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि ये साइकिल रैली पूरे शहर में घूमती हुई वापस पार्टी कार्यालय पर आकर समाप्त हो गई। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष और जिला महासचिव यूसुफ कादरी का साफ तौर से कहना है कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में हम सपा की सरकार बनाएंगे और अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम भी करेंगे। तो
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हमारे प्रदेशीय आह्वान पे समाजवादी पार्टी के जो युवा संगठन हैं उनके द्वारा छात्र जागरूकता सप्ताह हम लोग हर हर हफ्ते में छात्र जागरूकता सप्ताह चलाते हैं। छात्र जागरूकता सप्ताह में छात्रों की समस्याओं को लेके तो 7 दिन तक अलग अलग कार्यक्रम हैं। जिससे पहले दिन कार्यक्रम था वोट बढ़ाओ परिवर्तन लाओ, फिर दूसरे दिन कार्यक्रम था गोष्ठी, और आज जो है साइकिल रैली चलाकर जो सरकार के खिलाफ हमारे छात्र सभा के जो लोग हैं सरकार के खिलाफ एक चेतना उसको जगाने का काम कर रहे हैं कि जो सरकार आज आम जनमानस के खिलाफ जो काम कर रही है, चाहे किसान तीन बिल के लोग हों, छात्रों की समस्याएं हों, एडमिशन की समस्याएं हों, फीस बढ़ोतरी को लेके हों, तमाम समस्याएं हैं जिन पे छात्रों को दबाया पूछा जा रहा है। आज पढ़ाई जो है पिछले 2 साल से ठप पड़ी हुई है, तो इन तमाम समस्याओं को लेके छात्र जागरूकता सप्ताह के रूप में सरकार को चेताने का काम किया। आगरा के थाना खेड़ा राठौर क्षेत्र में डेंगू बुखार के चलते उपचार के दौरान 7 साल के मासूम की मौत हो गई। पिछले 3 दिनों से मासूम को बुखार आ रहा था, जिसका इलाज परिजन आगरा के निजी अस्पताल में करा रहे थे। वहीं उपचार के दौरान ही मासूम ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में फैल रहे वायरल बुखार के चलते 3 लोगों की मौत पहले ही हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने गाँव में स्वास्थ्य कैंप नहीं लगाए और ना ही कोई साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से पनप रहे मच्छर बीमारी लगातार फैला रहे हैं और जिसकी वजह से मासूमों की जान जा रही है। तो आगरा में वायरल बुखार लगातार कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि स्वास्थ्य विभाग इस ओर कोई सुध नहीं ले रहा। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां पर जमीन पर कब्जा करने की नीयत से दबंगों ने महिला समेत पुरुषों की जमकर पिटाई की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दबंगई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं जामो पुलिस की तरफ से भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। वहीं आज एक बार फिर मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब देखना यह है कि पुलिस और प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करता है। तो अमेठी का ही पूरा मामला, जहां पर दबंगों ने महिला और पुरुषों की जमकर पिटाई की है, जिसका एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमेठी में ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब ऐसे में सवाल है कि क्या एक और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की आंखें खुलती हैं और पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात की रहने वाली एक महिला ने बताया कि वो GNM की ट्रेनिंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सरकारी डॉक्टर काफी समय से उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। पीड़ित महिला ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए छेड़छाड़ और कई मामलों में थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस मुकदमे को लेकर पीड़ित महिला का साफ तौर से कहना है कि डॉक्टर की तरफ से उसके साथ लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छेड़छाड़ की जा रही थी। महिला का आरोप है कि मना करने पर डॉक्टर ने उसके पति और उसके ससुर को गलत तरीके से मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की बात कही और उसको लगातार डॉक्टर की तरफ से धमकी भी दी जा रही थी। साथ ही महिला की तरफ से शिकायत न करने को लेकर डॉक्टर की तरफ से उसके साथ मारपिटाई करने का भी आरोप पीड़ित महिला ने लगाया है और थाने में तहरीर दी है। पुलिस की तरफ से पूरी घटना की जाँच करवाई जा रही है। जाँच के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। ये कल का मामला है, इसमें एक महिला द्वारा जो वही कर्मी है जो है CSC पर जो है उसके द्वारा एक डॉक्टर के विरुद्ध जो है छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसपे जो है मौके पर दरोगा जी है और प्रथम दृष्टया मामला जो भी पाया गया उसके आधार से तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर विवेचना का गुणदोष के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। फतेहपुर में 15 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पॉक्सो की विशेष अदालत के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने 17 साल की जेल और 55,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि जब किशोरी अपने स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तब आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया था। मामला यह था कि ये घटना हुई थी 11/1/2016 को, कि ये लड़की अपने विद्यालय पढ़ने गई थी, तो यहाँ से आरोपी इसको मैदान खुला पाया गया।
और इसके पिता ने काफ़ी सुलझाने प्रयास किया। करीब 11-12 दिन के बाद इसने रिपोर्ट लिखाई, अपने रिपोर्ट का स्पष्टीकरण दिया कितने लेट क्यों हुए, आज अपने रिश्तेदारी में पूछता रहा, हजार पूछता रहा। आज उस मुकदमे की अंतिम सुनवाई हुई। श्रीमान जिला सत्र महोदय जी श्रीमान संजय कुमार सिंह जी के द्वारा उसमें अपनी धारा 363 IPC में 5 साल की सजा और 5,000 जुर्माना और 1 जुर्माना अदा न करने पर 1 माह का कारावास, धारा 376(2) में इसमें 12 साल की सजा है और जुर्माना न अदा करने पर 50,000 जुर्माना कर 6 माह का कारावास। पूरी सजा कितनी? पूरी सजा टोटल सजा अगर है 17 साल की है। बहराइच में बेहतर उपचार की आस लेकर मेडिकल कॉलेज आने वाले मरीजों के जीवन से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर मेडिकल कॉलेज में आए दिन तीमारदारों का हंगामा करना यहां आम बात है। स्वास्थ्य कर्मी मरीजों और तीमारदारों से लगातार अभद्रता कर उन्हें निजी नर्सिंग होम जाने को मजबूर कर सरकार के साख को बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। इलाज के अभाव में मरीज की मौत से आहत बीजेपी जिला कोषाध्यक्ष राजन सिंह ने परिवार संग मेडिकल कॉलेज में हंगामा कर CMS के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया है। सर, हम मरीज लेकर आए थे अपने घर का पेशेंट, उसको डिलीवरी की पीड़ा हो रही थी तो हमने एम्बुलेंस को फोन किया तो उसे जिला अस्पताल लेकर आए, एम्बुलेंस यहाँ से छोड़कर चला गया। हमने जाकर डॉक्टर से बोला कि भर्ती कर लो, तो जो सिस्टर लोग रहा वो कम से कम 2 घंटा लगा दिए भर्ती में, तब तक परेशान रहे। और उसके बाद जब भर्ती किया तो इसके बाद ना बेड दिया ना कोई सुविधा, वैसे मरीज को हम अपने बिस्तर पर लिए पड़े रहे। अब जब हम सिस्टर से बात करें कि हाँ डॉक्टर साहब से दिखवा दीजिए तो वो झगड़ा करने पर उतारा, अभद्र बात करें, सही से कोई मैसेज ना दें। 4 घंटा हमको बीत गए, इसके बाद में जब हम ज़्यादा परेशान हुए तब सिस्टर ने हमको वहाँ पे लेकर गए जहाँ डॉक्टर बैठी थी, तो डॉक्टर राबिया ने बताया कि ये मर जाएगी, इसके पेट में बच्चा मर गया है और इसको आप लखनऊ लेकर जाइए या कहिए तो आप कागज पर दस्तखत कर दीजिए कि मरने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है तो हम इसका ऑपरेशन कर दें। समझ लो तुमको 5 मिनट का टाइम मिला है। फिर हम परेशान हुए, गए उनकी चिरौरी किया, हम कहा सर कोई मेर के कर दीजिए, बहुत परेशान है, अभी अल्ट्रासाउंड हुआ है, 2-2 अल्ट्रासाउंड हमने करवाए, दोनों में रिपोर्ट बढ़िया थी। फिर उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे कोई सिस्टम ना है, वेंटिलेटर पे इसको रखना पड़ेगा, यहाँ पे तुम इतना पैसा नहीं दे पाओगे, ना वेंटिलेटर है, इसको सीधे लखनऊ लेकर जाओ। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है, सरकार के तमाम दावे थे कि वो अपने जो उनके जनता है, जनार्दन है, उनके लिए लाख सुविधाएं करेंगे, उसी की बानगी देखने मिली जनपद बहराइच में, जहां ये जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। लेकिन यहां पर हालात ऐसे हैं कि जो अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय साबित करते हैं। ताज़ा मामला देखने को मिला बीती रात में, जहाँ पर एक मरीज को भर्ती कराया गया, जो भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, उनके परिजन को भर्ती कराया गया और उनको सही इलाज न मिलने की वजह से उनकी डेथ हो गई। उनका परिजनों का आरोप है कि रात में जो ड्यूटी पर डॉक्टर रामपाल सिंह थे, उन्होंने फिजिशियन को कॉल नहीं किया, जिससे उनके परिजन का समुचित इलाज ढंग से नहीं हो पाया, जिससे काफ़ी आक्रोश बनपा हुआ है। उन्होंने यहाँ पर CMS मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, प्रशासन के खिलाफ भी उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, जो काफ़ी अपने चिंता का विषय है कि आखिर सोचना पड़ेगा कि जो यहाँ के डॉक्टर हैं वो किस प्रकार से अपनी ड्यूटी करते हैं। वहीं बात करेंगे डॉक्टर रामपाल सिंह की, जो पूर्व में भी कहीं ना कहीं तमाम उनके पर आरोप लगते रहे हैं, एक बार वो सेवा से बर्खास्त भी किए चुके हैं, लेकिन दोबारा फिर उन्होंने अपने सिस्टम अपने जुगाड़ के से वहाँ पर फिर से ज्वाइन किया। वहीं दूसरा मामला ही मेडिकल कॉलेज का है, जहाँ महिला चिकित्सालय में एक प्रसूता आई हुई थी, जिसको वहाँ डॉक्टर राबिया जो लगातार विवादों में रहती हैं, उन्होंने बताया कि आपके बच्चे की मौत हो चुकी है और इसको लेकर जाकर आप नर्सिंग होम में जा सकती हैं, नर्सिंग होम में जाने पर वहाँ पर उस जच्चा और बच्चा सुरक्षित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने चिंता का विषय है कि ये क्या डॉक्टर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, या योगी सरकार के दावे सिर्फ कागजों में ही रहते हैं, जब जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए बहराइच से। गोरखपुर में मनीष की पीट पीट कर हत्या के मामले में मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने पति का अंतिम संस्कार रोक दिया। वही पीड़िता ने बताया कि अंतिम संस्कार उन्होंने अफसरों के सही जवाब न देने के चलते रोका है और कहा कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करना चाहती हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में बरा निवासी प्रॉपर्टी डीलर अपने दोस्त के साथ गोरखपुर घूमने गया था। वही गोरखपुर में होटल चेकिंग के दौरान पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की पिटाई कर दी थी। पिटाई के दौरान ही युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत से लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिला।
वहीं बेटे का शव लेकर कानपुर के बर्रा इलाके में पहुंचे परिजनों का भी रो रोकर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार ने आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो कानपुर का ये पूरा मामला सुरेंद्र थानी जी आए थे, जो कि कल तो कोई नहीं आया था, बट आज आए थे यहाँ पे। बातों के दौरान मुझे अब ऐसा लगा कि मुझे अपने पति का अंतिम संस्कार रोक देना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रही थी, जो कि मैं अभी तक सहमत थी, बट अब मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार रोक दिया है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कल आएंगे मिलने, पहले कहा, तो हमने कहा ठीक है। दो मिनट बाद मैंने पूछा कितने बजे आएंगे, मुझे कंफर्म करिए, वो मुझसे मिलेंगे, आएंगे कि मैं जाऊंगी, तो कहते नहीं आपकी बात मैं अक्षर सा पहुंचाऊंगा, वो जो कहेंगे मैं, मीडिएटर का काम नहीं चाहिए। कल वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनका यहाँ कोई कार्यक्रम लगा है, तो मैंने कहा आप इसलिए आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि कार्यक्रम लगा तो मिल लेंगे, मतलब एक मेहरबानी, वरना नहीं आते, तो ये भी मुझे समस्या हुई, इसीलिए मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार रोक दिया, पहली बात। अब मैं दूसरी बात, अब मैं ट्वीट कर रही थी कि मेरी उनसे विधायक जी से बात क्या हुई है। मैंने उनसे कहा है कि मुख्यमंत्री जी से बात करिए और मुझे बस दो घंटे में इतना अवगत करा दीजिए कि कल वो कितने बजे मिलेंगे, कल वो आ रहे हैं तो वो आकर मुझसे कितने बजे मिलेंगे। मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे 75 साल के बुजुर्ग राजवीर की अज्ञात युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। वहीं गोली की आवाज सुनकर मृतक के भाई हरवी ने युवक का पीछा किया, लेकिन युवक फरार होने में कामयाब रहा। वहीं परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। मुजफ्फरनगर का पूरा मामला, जहां पर आरोपी हत्या कर मौके से फरार बताया जा रहा है, 75 साल का बुजुर्ग बताया जा रहा है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपी युवक मौके से फरार है, फिलहाल उनकी कोई तलाश नहीं हो पाई है। ये रात की घटना है, लगभग 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि हमारे दादाजी को गोली मार दी गई है, जिसमें पुलिस थाना फुगाना की कोरावा गाँव में आई तो यहाँ पर वृद्ध थे राजवीर सिंह, जिनकी उम्र लगभग 76 साल थी, उनके गोली लग गई थी। उनको तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, अज्ञात में तहरीर मिली है, विवेचना जारी है। सर ऐसा हुआ, वो 12:10:05 पर जी एक आदमी आ जी, और वो वापसी गोली मार कर चला गया जी। मैं बाहर निकला तो बाहर आवाज़ सुनी जी, मुझे नहीं पता था अब ये हमारे ही आदमी का गोली मार के गया जी। तो बाहर से जब मैं वापसी लौटा तो मुझे दिखाई दिया जी, वो भागता हुआ नजर आया जी। उसके बाद में जी मैं वापसी आकर अपने भाई की मच्छरदानी उतारी, उतारने के बाद मैं देखा कि तो हमारे ही गोली मार के गया। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर नंगला के पास हुए एक सड़क हादसे में सहारनपुर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी, उनकी पत्नी और साले की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि व्यापारी का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब व्यापारी अशोक सलूजा अपनी पत्नी, बेटे और साले के साथ फरदाबाद से वापस सहारनपुर लौट रहे थे। नांगल पहुंचने के बाद अचानक उनकी कार से धुआं उठा, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर हाईवे की एक पुलिया से टकरा गई। वहीं हादसे की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये थाना नांगल क्षेत्र में आज सुबह की घटना है, जिसमें कि एक ब्रेजा गाड़ी में कुछ लोग फरीदाबाद से आ रहे थे सहारनपुर की तरफ, वहीं पर ये शायद इनकी किसी कारणवश आग लगने कारण या जो भी है, वो पुलिया से उनकी बाइक गाड़ी टकरा गई, जिसमें कि तीन लोगों की उसमें मृत्यु हो गई है और दो लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सर एक ही परिवार के थे जिनकी मृत्यु हुई? ये अभी तक जो है एक ही परिवार के ही हैं, ये आ रहे थे, यहीं के रहने वाले हैं, हकीकत नगर पड़ता है सहारनपुर में, वहाँ के ये रहने वाले हैं, और इनमें से तीन जो है पुरुष, उनकी मृत्यु हो गई है, जो कि एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।
बहराइच के रीसी इलाके में सुदेश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में बीती रात क्रेन के नीचे दबकर कई मजदूरों की जान चली गई, जिसके बाद प्लांट मालिक मुआवजा देने की जगह मृतकों के परिजनों को जानमाल की धमकी दे रहा था। साथ ही लापरवाही से हुई मौतों को लगातार छिपाने की कोशिश भी कर रहा था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बहराइच पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह ने मौके पर जायजा लिया और पुलिस अधीक्षक ने बड़ा एक्शन लेते हुए मिल मालिक समेत 8 लोगों पर नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। बहराइच का यह पूरा मामला, प्लांट मालिक समेत 8 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि क्रेन के नीचे दबकर यहां कई मजदूरों की जान चली गई थी, जिसको लेकर जो मालिक है इस कंपनी का, वो लगातार परिजनों को धमका रहा था, जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया और एक्शन लेते हुए प्लांट मालिक समेत 8 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। जनपद बहराइच के सुरेंद्र इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में बीती देर रात एक काफी बड़ा हादसा हुआ, जहां पर क्रेन से दबकर 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनको हायर सेंटर लखनऊ भेजा जा चुका है। इसी मामले में एसपी बहराइच ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मौका स्थल का घटना का जांच किया और उन्होंने 8 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराई है। अभी देखने वाला विषय होगा क्या सुरेंद्र इंडस्ट्रीज के लोग क्या करते हैं और मौके से यहाँ इंडस्ट्रीज के मालिक और जो कर्मचारी हैं और यहाँ से गायब हैं, नदारद हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कैमरा पर्सन के साथ अनिल तिवारी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए। VVIP कहे जाने वाले अमेठी, जहां पर दशकों तक कांग्रेस पार्टी अपना कब्जा बनाए रही और इसे कांग्रेस का गढ़ भी कहा गया, लेकिन वर्तमान समय में यहां की बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि लगातार अमेठी के दौरे पर रहती हैं, लेकिन यहीं पर अंग्रेजों के जमाने में बनाया एक पुल आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और जगह जगह दरारें हो जाने के कारण गिरने के कगार पर है। पूरा मामला अमेठी सुल्तानपुर के मलती नदी पर बने पुल का, जो आज पूरी तरह से गिरने के कगार पर है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पुल अंग्रेजों के जमाने का है, तब से इस पुल की मरम्मत के लिए निर्माण विभाग आगे नहीं आया। इस पुल के ऊपर से हर दिन हजारों लोगों का आना जाना रहता है, हजारों गाड़ियां, लोडेड ट्रक चलते हैं। पुल की स्थिति इतनी दयनीय है कि कभी भी गिर सकता है, लेकिन प्रशासन, स्थानीय लोग मूक दर्शक बने हुए हैं, कोई भी इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। ये पुल की हालत क्या है और किस दशा में है? इस की हालत बहुत जर्जर है। ये और इस रोड से हैवी गाड़ियां, 8-8 10-10 चक्का की गाड़ियां इधर से पास होती हैं और इस पर कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। ऐसे में आप लोगों के द्वारा कभी कोई शिकायत? नहीं, शिकायत तो हमने तो नहीं किया है। शिकायत हम अब यह है कि इधर से बड़े बड़े नेता भी तो गुजरते हैं, उनको तो भी देखना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि नेता जो इधर से न गुजरे। अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं। एक बार इसका सर्वे PWD के लोगों ने कुछ किया था और वो बताए इस नदी का नाम है मालती नदी और इस स्थान का नाम है दंडकनाथ महाराज। ये बताइए ये कौन सा पुल है और इसकी क्या हालत है? मालती नदी का पुल है और बाबा का स्थान है और इसका पता नहीं, हम 70-72 साल की उम्र है लेकिन हमको नहीं पता कब की बना है पुल और दोनों साइड से चिटका हुआ है, कभी हादसा हो सकता है। ऐसे में यहाँ पे कितने लोगों का आना जाना है? अरे कम से कम नहीं तो हजारों से ज़्यादा आते हैं और गाड़ी बंद नहीं होती है, 2 चक्का 4 चक्का हमेशा चलता रहता है। ऐसे में क्या आप लोगों द्वारा कहीं? और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों